कॉफी टोनर के साथ आपके बाल भी होंगे सिल्की शाइनी स्मूथ और साथ में आपके भी बालों में जो है वो थिकनेस आएगी। तो आप मेरे बालों को देख सकते हो कितने ज़्यादा लॉन्ग थिक लग रहे हैं, तो आपके भी इसी तरह से होंगे। तो चलो देख लीजिए इसको मैंने किस तरह से बनाया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉफी टोनर शेयर करूंगी, और जिसकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या जिसके नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है स्कैल्प से, उसके बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इचीनेस आ जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है जब स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कैल्प जो है वो नेचुरल ऑयल बना रहे, कॉफी टोनर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नेचुरल ऑयल को प्रोवाइड करवाने की। और ये इसके साथ क्या होगा, आपके बालों में थिकनेस आएगी, आपके बाल जो है वो दोगुनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, साथ में जो है वो बालों की जड़ें बिल्कुल मजबूत होगी इसके साथ, तो हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, साथ में ये बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, और आपको जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऑयल लगाना अच्छा नहीं लगता है तो आपको ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टोनर का क्या क्या बेनिफिट होगा आपके बालों के लिए आप आगे वीडियो में देखोगे, तो प्लीज स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपके बालों के लिए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टोनर बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक पैन के अंदर एक गिलास पानी का ऐड कर दूंगी, और इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगी कॉफ़ी पाउडर। जब पानी अच्छे से बॉयल्ड हो जाए तो उसके बाद ही आपने जो है वो कॉफ़ी पाउडर को डालना है, और यहाँ पे मैं 2 स्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसे और बॉयल्ड होने देना है जो ये इसके अंदर अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। और उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैं ले लूँगी, और 1 स्पून ही मैं इसका इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैं 1 स्पून ही इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको भी अच्छे से पहले बॉयल्ड होने देना है 5 से 10 मिनट। जब ये अच्छे से बॉयल्ड हो जाए उसके बाद जब ये ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे स्टेन कर लो, इसे स्टेन कर लेना है। और इसे आप डायरेक्ट ऐसे ही बालों में लगा सकते हो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, स्प्रे बॉटल के अंदर भी डालकर रख सकते हो और इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ। स्प्रे बॉटल में डालने से ये बेनिफिट होता है कि ये बालों की जड़ों में अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं स्प्रे बॉटल में इसे डालूंगी। अब मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ कि इसे आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके बालों में ऑयलिंग भी है तब भी आप इस टोनर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इस टोनर को रेगुलर यूज़ करना है। इससे क्या होगा, हेयर फॉलिकल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेगी और आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। और जिसकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, इचीनेस रहती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये क्या करेगा, नेचुरल ऑयल जिसके स्कैल्प से ख़त्म हो जाता है वो नेचुरल ऑयल को प्रोवाइड करवाएगा, जिससे स्कैल्प जो है वो आपकी कभी भी ड्राई नहीं रहेगी, आपका हेयर फॉल नहीं होगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके बाल जो है वो ड्राई अगर रहते हैं कभी भी ड्राई आपके बाल नहीं होंगे। अगर आप ऑयल नहीं भी लगाते हो तब भी आपके बालों में वो ड्राइनेस नहीं रहेगी। अगर आप किसी को होता है कि ऑयल लगाना पसंद नहीं होता है, तो वो अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी इसे लगा सकते हो, और रेगुलर अगर आप इसे लगाते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, इससे बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ हो जाती है। कॉफ़ी के अंदर जो होता है वो कैफीन होता है, और कैफीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छे से कर सकती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छे से होगा। देखिए, जैसे हम पौधों में खाद डालते हैं, जब हम पौधों के अंदर खाद डालेंगे तो हमारे क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इसी तरह से हमारे बाल भी है, हमारी स्कैल्प भी है। जब तक आप इसको न्यूट्रिएंट नहीं दोगे तब तक इसके अंदर कोई भी जो है वो हेयर ग्रोथ नहीं होगी, आपके हेयर फॉलिकल्स मजबूत नहीं होंगे। तो इसी तरह से जो होती है इसकी केयर करनी भी इसी तरह से होती है, जैसे हम पौधों की केयर करते हैं उसी तरह से जो है वो स्कैल्प की केयर करनी भी ज़रूरी होती है, तभी ये रिज़ल्ट देंगे अगर आप इसकी केयर करोगे।
तो इस तरह से जो है वो मैंने पूरी स्कैल्प पे लगा लिया। और स्कैल्प पे लगाने के बाद अब मैं पूरी स्ट्रेंथ पे लगा लूँगी। इससे इतने ज़्यादा हेयर जो है वो सिल्की हो जाते हैं और शाइन, जिसके बालों में शाइन नहीं रहती है उसके बालों में इतनी अच्छी शाइन आ जाएगी इसके साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी मसाज करनी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और आपने इसे रेगुलर लगाना है, जब भी आप लगाना चाहो, दिन में कभी भी, तो आप लेकिन लगाना इसे रेगुलर है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर ये भी नहीं है कि आपने ऑयल किया है तब नहीं लगाना, आप जब मर्जी इसको लगा सकते हो, चाहे दिन में 3 टाइम भी लगाना चाहते हो तब भी लगाओ। अगर आपके फ्रीजी हेयर है तब भी आप इसे रेगुलर लगा सकते हो, ये आपके बालों से फ्रिज को ख़त्म कर देगा, आपके बालों को सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाएगा। तो उसके बाद मैं क्या कर लूँ, मोटी ब्रेसेस वाली यहाँ पे मैंने कॉम ली है और उसके साथ मैं पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लूँगी और उसके बाद एक ब्रेड बना लूँगी। इससे क्या होगा, आपके बाल जो है वो बिल्कुल मतलब उलझेंगे नहीं आपस में, सॉफ्ट रहेंगे। आप इसे अगर 2-3 दिन वॉश भी नहीं करोगे तो तब भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे एकदम से आपके बाल, आपने कुछ भी नहीं लगाया है बालों के अंदर। और जो आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और इस टोनर के साथ आप 2-in-1 काम भी कर सकते हो, इसे आप फेस पर भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी डेड स्किन इससे रिमूव होगी और जिससे आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो बना रहेगा। तो इस तरह से आपने इसे फेस पर भी लगा सकते हो, चाहे आप 2 टाइम लगा लीजिए, 3 टाइम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम फेस आपका ग्लो करेगा। इससे क्या होगा, आपके फेस का जो कोलेजन है वो भी इसके साथ बूस्ट होगा, आपके फेस में हमेशा वो ग्लो बना रहेगा और आपकी स्किन भी जो है वो यंगर ग्लोइंग दिखेगी। तो इस तरह से आप इसे जो है वो अपने फेस पर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखा कितना बेनिफिट होता है इस टोनर का। और अब मैं आपको अपने बालों को दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा मेरे बाल सॉफ्ट सिल्की लग रहे थे और आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हो कि कितनी अच्छी मेरे बालों में शाइन आई है। और इस टोनर को मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तभी मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो गए हैं, पहले मेरे बाल इस तरह से नहीं थे और अब मेरे बालों में बहुत अच्छी शाइन आ गई है। तो आप भी अगर इस तरह से करोगे तो आपके बालों में भी शाइन आएगी, आपके बाल भी ड्राई डैमेज हो गए हैं तो वो भी इसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं, इस टोनर, कॉफ़ी टोनर को, और यूज़ करें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के।